हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम आस्टेड टीचर्स। तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ मिनी चिकन सैंडविच एंड हलोमी चीज़ सैंडविच। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका आटा लगाना है। तो चलिए आटा कैसे लगाते हैं, क्या क्या डालते हैं उसमें, वो बताता हूँ मैं आपको। आटा लगाने के लिए हमें 3 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टेबल स्पून ईस्ट पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, और हल्का गर्म पानी लेना है 1 कप, 1.5 कप हल्का गर्म होना चाहिए वार्म वाटर। फिर इसको गूंध ले अच्छे से, आप चाहे तो हाथ से भी गूंध सकते हैं, अगर आपके पास मशीन आटे गूंदने वाली तो उससे भी आप गूंध सकते हैं इसको। तो हमारा डो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम पिज़्ज़ा डो लगाते हैं वैसा होना चाहिए एकदम। और इसको आप 30 मिनट के लिए अच्छे से प्लास्टिक से ढककर या कपड़े से ढककर रूम टेम्परेचर में रख दें, ताकि हमारा डो है वो डबल हो सके। इससे जो रोटी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट। तो चलिए अब हम चिकन मिनी चिकन सैंडविच को मैरिनेट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसके लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है बिना हड्डी वाला, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। फिर इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट 2 टेस्ट, 3 टेबल स्पून योगर्ट, अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं हल्का, उससे इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दें। चलिए चिकन सैंडविच के का सॉस बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून तहीना, जो हमारे तिल आते हैं उनको सोते करके इसका पेस्ट बनता है, और 2 गार्लिक, 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट, ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, और लेमन जूस 1 टेबल स्पून, वाटर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम, और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, जैसे मेयोनीज का सॉस होता है वैसा होना चाहिए। आप चाहें तो मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं इसमें, तो मैं ये घरेलू सॉस यूज़ कर रहा हूँ फ्रेश। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है, डबल भी हो चुका है। ये देखिए आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और डबल भी है। तो अब हम इसको थोड़ा आटा लगा कर बेल लेना है अच्छे से। इसके हम छोटे छोटे खबूत रोटी बनाएंगे, जैसे पॉकेट साइज कहते हैं राउंड वैसे। तो इसको अच्छे से बेल लेना है, ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से बेलने के बाद आप किसी गिलास या कप की सहायता से इसको गोल गोल काट लें। ये देखिए मैं गिलास ले रहा हूँ, तो इस गिलास की मदद से मैं इसको गोल गोल काट रहा हूँ। आपके पास जो भी हैं गोल कटर हैं, कुछ भी हैं, उसकी सहायता से आप इसे काट लें। फिर आप इसको काट के आप अपने, अगर घर पे बना रहे हो तो आप तवे पे बना सकते हैं इसको, जो हॉट पैन आता है उस पर। अगर आपके पास ओवन भी है तो ओवन में बना सकते हो आप। तो मेरे पास ये मशीन है बनाने वाली, सेम तवे की तरह है, तो इसमें बना रहा हूँ मैं। 1-2 मिनट में तैयार हो जाएगा और ये एकदम अच्छा फूल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चिकन का सैंडविच खबूस, जिसे अरबी में खबूस बोलते हैं। तो ये देखिए, ये अगर आप सुबह की चाय में भी खाओ बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा है, आप घर पर आसानी से बना सकते हो। ये देखिए एकदम तैयार हो चुका है,
बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो ये देखिए, एक कपड़ा लीजिए, उसमें इसको रख दीजिए ताकि ये सूखे ना, ड्राई ना होए। अब मैंने चिकन को पकाने के लिए एक पैन लिया है, फ्राई पैन, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। फिर इसमें आपने जो मैरिनेट चिकन किया था उसको डाल दें और 10 से 15 मिनट पकाएं अच्छे से, जब तक हमारा चिकन सॉफ्ट और जूसी ना हो जाए। आप चाहें तो इसी प्रकार से चिकन शोरमा भी बना सकते हैं। और ये मैंने पटेटो लिए थे चिकन के लिए, जो हल्का बॉईल कर लिया है क्यूब काट कर, और इसको आप फ्राई कर लें। लगभग 2 पटेटो हैं, इसका क्यूब काट कर बॉईल कर लिया पहले, फिर इसको एकदम ड्राई कर लिया, और फिर इसको ऑयल गर्म करके फ्राई कर लिया। तो चलिए, हमारे पोटैटो भी फ्राई हो चुके हैं, अब बताते हैं क्या क्या चाहिए। चिकन सैंडविच के लिए लेटुस, पिकल कुकुम्बर, पोटैटो और चिकन और सॉस हो गया, और हमारी ब्रेड, पॉकेट ब्रेड तैयार हो चुकी है, रोटी जो हमने बनाया था। अब चलिए, हलूमी चीज़ सैंडविच के लिए हमें सबसे पहले हलूमी को काटना है स्लाइस, लगभग 1 सेमी। आप चाहें तो पनीर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपके पास ब्लॉक पनीर है या क्यूब पनीर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसको हल्का टोस्ट करके, ग्रिल करके पैन में हल्का ग्रिल कर लें, गोल्डन हो जाए तो गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, हमारे हलूमी चीज़ है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हलूमी चीज़ वजह से सेहत के लिए बहुत ही हेल्थी है। तो ये देखिए, हमारी हलूमी चीज़ रेडी हो चुकी है, ग्रिल हो चुकी है। अब चलिए, हम चिकन सैंडविच कैसे बनाते हैं। तो एक कबूस, जो हमने कबूस बनाया था छोटा वाला, रोटी बनाई थी, उसको बीच से काट लें, फिर उसमें सॉस भर दें, सॉस अच्छे से, ज़्यादा नहीं, जितना आपको चाहिए उतना। फिर इसमें चिकन डाल दें, पटेटो डाल दें, आलू फ्राई किए हुए, और पिकल कुकुम्बर डाल दें, लेटुस डाल दें, आप चाहें तो टोमेटो भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऑनियन भी डाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा चिकन, मिनी मिनी चिकन सैंडविच, आप इसको चिकन शोरमा भी बोल सकते हैं। फिर इसमें सॉस डाल दें, तो वैसे ही सभी को भर लेना है। तो ये देखिए, सॉस, फिर उसके बाद में चिकन, फिर उसके बाद में पटेटो, फिर उसके बाद में पिकल कुकुम्बर, लेटुस, सॉस वापस, तो आप घर पर आसानी से बना। तो चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको हलूमी चीज़ सैंडविच के लिए क्या क्या चाहिए हमें। टमाटर चाहिए स्लाइस, रिंग कटिंग, और लेटुस चाहिए लॉन्ग। तो टमाटर को लीजिए, फिर जो हमने कबूज को काटा था वैसे ही काटना है, बीच एक टमाटर डालना है पहले, फिर उसके बाद में हलूमी, फिर उसके बाद में वापस लेटुस। तो ये हो गया हमारा हलूमी चीज़ सैंडविच, बहुत ही हेल्थी है, घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप ये रेसिपी बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाना। और आपके पास अगर हलूमी चीज़ अवेलेबल नहीं है घर पे, तो आप पनीर भी यूज कर सकते हैं। और ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में नीचे, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।